कंगना रनौत के पिता ने किया कन्फर्म, बेटी लड़ेगी लोकसभा चुनाव, मंडी मथुरा या चंडीगढ़, इस पर भी दिया जवाब। पहले कंगना बनेंगी इंदिरा गांधी, फिर बनेंगी मोदी की मंत्री, कंगना की दावेदारी से टेंशन में अनुपम खेर की पत्नी। पहले प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात और अब पिता का बयान, क्या कंगना बन गई है नेता? कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उनके पिता ने बड़ा बयान दिया है। कंगना के पिता ने ये साफ कर दिया है कि बिटिया चुनाव लड़ेगी और बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़ेगी। ये बयान तब अहम हो जाता है जब दो दिन पहले ही कंगना ने जेपी नड्डा और उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। मुलाकात की ये तस्वीरें कंगना ने खुद साझा भी की थी, जिसके बाद हर कोई ये पूछ रहा था कि कंगना क्या टिकट मांगने गई थी। अगर हां, तो फिर सवाल ये कि आखिर कंगना किस सिर से सियासत की शुरुआत करेंगी। सियासत के जानकार कहते हैं कि बीजेपी कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट या फिर चंडीगढ़ लोकसभा सीट से उतार सकती है। तीनों सीटों के अपने अपने समीकरण हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। कंगना रनौत मंडी जिले की भामला गांव की रहने वाली हैं, मतलब ये सीट उनकी घरेलू सीट है। यहां साल 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। खुद प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी, कौन कहां से लड़ेगा ये कहना मुश्किल है। पर सियासी जानकार कहते हैं कि बीजेपी को अगर मंडी में अपनी खोई हुई इज्जत वापस लानी है तो कंगना उसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि 2021 के उपचुनाव में पार्टी ये सीट हार गई थी। प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद जयराम सिंह ठाकुर की प्लानिंग पर सवाल उठे थे। ऐसे में कंगना बीजेपी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कंगना की चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर है और उसकी भी वजह बड़ी सॉलिड है। यहां से अभी अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर लोकसभा सांसद हैं। 71 साल की किरण खेर 2014 और 2019 दोनों चुनाव मोदी लहर में जीती। कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन को धमकी देने के मामले में वो विवादों में रही। हाल ही में हुए चंडीगढ़ में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को काफी बढ़त मिली। बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े, जो साफ बताता है कि किरण खेर से वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश से आने वाले लोग काफी संख्या में हैं। ऐसे में कंगना के लिए ये सीट सबसे सेफ हो सकती है। इन दोनों के अलावा कंगना उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से भी चुनावी अभियान का आगाज कर सकती हैं। पर यहां दिक्कत ये है कि यहां से अभी हेमा मालिनी सांसद हैं और यहां जीत हार का फैसला जाट वोटर्स करते हैं। हेमा मालिनी को इस बात का फायदा इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनके पति धर्मेंद्र जाट बिरादरी से आते हैं। लेकिन कंगना का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें सिर्फ फिल्मी सीन पर ही वोट इकट्ठे करने होंगे। कंगना की छवि बीते कुछ सालों में एक राष्ट्रवादी अभिनेत्री के रूप में बनी है। कुछ दिनों पहले वो द्वारकाधीश में दर्शन करने के लिए पहुंची थी, तभी उनसे मीडिया ने सवाल पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, तो कंगना ने कहा था प्रभु श्री कृष्ण ने चाहा तो जरूर लड़ूंगी। जिसके बाद इस बात की अटकलें शुरू हो गई थी कि कंगना मथुरा से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बार मथुरा समेत कई सीटों के सांसदों के टिकट करने की चर्चा भी है, इसीलिए कंगना के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस नहीं है। अगर कंगना जीतती हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो मोदी सरकार में उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में पार्टी में ना रहते हुए भी उन्होंने बीजेपी का जैसा स्टैंड लिया है उसका इनाम तो उन्हें दिया ही जा सकता है। पर मोदी के मंत्री बनने से पहले कंगना इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी। आने वाली फिल्म इमरजेंसी के लिए वो जोर शोर से मेहनत में जुटी है। वैसे बतौर मतदाता आपको क्या लगता है, कंगना को किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए जहां पर जीत की संभावना ज्यादा है?